हर वर्ष की भांति श्री कृष्ण जन्म स्थान से श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य से पूर्व हरि नाम संकीर्तन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया। नटखट नंदलाल के प्राकट्योत्सव को लेकर समूची मथुरा नगरी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्म स्थान में भगवान के प्राकट्य अभिषेक के दर्शन होंगे। उससे पूर्व दोपहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि से महाविद्या मैदान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने श्री कृष्ण की ध्वजा लहरा कर किया। ऊर्जा मंत्री ने ब्रज के पारंपरिक वाद्य यंत्र बम्ब नगाड़े को भी बजवाया। शोभा यात्रा में हजारों भक्त नाचते गाते हरि नाम संकीर्तन करते हुए बड़ी मस्ती में चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में सबसे आगे संत और ब्राह्मण शंख ध्वनि से समूचे वातावरण को भक्तिमय बनाते नजर आए। शोभा यात्रा की व्यवस्थाएं श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा और पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और विजय बहादुर संभाल रहे। देखो हमारे ब्रजवासी अपने मोदी जी ने बधाई दे रहे हैं, अपने योगी जी बधाई दे रहे हैं। आज हमारे लाला को जन्मोत्सव है, हमारा घर 84 कोस पूरी तरह से सजा हुआ है। और ये जब से मोदी जी की सरकार क्षेत्र में आई है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं वहाँ होने वाले सभी उत्सवों को सरकार बहुत दिन और पवित्रता से मनाती है। सब ब्रजवासी और पूज्य संतों के आशीर्वाद ये सब जितने ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, ये बढ़ चढ़ के सब ब्रजवासी आज अपने लाला के जन्मोत्सव पे सब लोग शामिल हो रहे हैं। कुंभ के बाद इतना बड़ा आयोजन और लाला का जन्मदिन, ये अभिनंदन करें अपनी हम सरकार को, केंद्र की सरकार को अभिनंदन करें, राज्य की को सरकार को अभिनंदन करें कि जैसे प्रयागराज में दिव्य कुंभ भय हो, वैसे ही हमारे वृंदावन में भी दिव्य कुंभ भय हो। आप जगह को अपने आरक्षण भी करे हो और वहाँ पे बहुत अच्छे से हम रक्षावली भी कर रहे हैं। ये सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद है, सब